हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एपिकल्चर पढ़ेंगे। एपिकल्चर जो है हमारे पीएटी का एजी वन का टॉपिक है। एग्रीकल्चर वन जो आता है उसमें एपिकल्चर से क्वेश्चन आते हैं, और एपिकल्चर से जो क्वेश्चन आते हैं वो बायोलॉजी में आते हैं, बायो में आते हैं। 25 नंबर की जो आपकी बायो होती है, लगभग हर साल कम से कम एक क्वेश्चन एपिकल्चर से बायो में पूछा जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक है एपिकल्चर, और इसके साथ में एग्रीकल्चर जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली आपने जो देखा होगा या सुना होगा, तो आपने गाय का पालन देखा होगा, भैंस का पालन देखा होगा, मुर्गियों का पालन देखा होगा, भेड़ बकरियों का पालन देखा होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। तो मधुमक्खी के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी हम देखते हैं। इसमें ये इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि मधुमक्खी जो है वो सोशल इंसेक्ट है। मधुमक्खी कैसा इंसेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं मधुमक्खी जो है वो सोशल इंसेक्ट है। सोशल इंसेक्ट अर्थात हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी जो है एक सामाजिक कीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो मधुमक्खी जो है सोशल इंसेक्ट है। एपिकल्चर में हम मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इसकी स्लाइड देखते हैं मधुमक्खी पालन की। तो एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक रूप से कहा जाता है। तो व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा एपिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिकल्चर। ये क्वेश्चन जो है पीएटी में पूछा गया है कि व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन कहलाता है, या वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी का जो हम पालन करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो वैज्ञानिक रूप से हम जो मधुमक्खी का पालन करते हैं उसको एपिकल्चर कहते हैं। अब हम बात करते हैं वह स्थान जहां पर मधुमक्खियां, वह स्थान जहां पर मधुमक्खियां रहती है, ऐसी लोकेशन या ऐसी प्लेस या ऐसा कोई भी स्थान जहां पर मधुमक्खियां रहती है या मधुमक्खी पालन किया जाता है। याद रखिएगा कि वह लोकेशन या वह स्थान जहां पर मधुमक्खियां रहती है उसको एपियरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपियरी। तो फिर से देखते हैं, पीएटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रियरिंग ऑफ हनीबी आर नोन एज मधुमक्खी पालन कहलाता है। आपको चार टर्म दी होगी, पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर, एपिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन को साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं, तो साइंटिफिकली हम इसको कहते हैं एपिकल्चर। और वह स्थान जहां पर मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो वह स्थान जहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको हम कहते हैं एपियरी। कोई भी वह स्थान जहाँ पर मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको एपियरी कहते हैं। आप लोग अपने वॉइस को म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टर्ब ना हो सेशन बीच में। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, तो व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन को या कमर्शियल रेयरिंग ऑफ हनी बी आर नोन एज एपिकल्चर। व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं हम, तो एपिकल्चर कहते हैं। साइंटिफिकली भी यदि हम मधुमक्खी पालन को क्या कहेंगे, तो एपिकल्चर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन टेट में पूछा गया है, पीएटी में पूछा गया है कि भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। भारतीय मधुमक्खी या इसी को हम कहते हैं, भारतीय मधुमक्खी को हम कहते हैं इंडियन बी, या भारतीय मोना मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। साइंटिफिकली नेम ऑफ इंडियन बी आर नोन एज, तो इंडियन बी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो आप याद रखिएगा जो भारतीय मधुमक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस इंडिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप लोग अपने वॉइस को म्यूट कर लीजिए ताकि सेशन बीच में डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। याद रखना इंडिया में जो मधुमक्खी होती है, हनी भी होती है, उसकी 5 स्पीसीज पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, तो फर्स्ट तो होती है एपिस इंडिका। पहली प्रजाति कौन सी है, एपिस इंडिका। और एपिस इंडिका के ऊपर ही पीएटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय मधुमक्खी या इंडियन बी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप याद रखना भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एपिस इंडिका के अलावा भारत में और कौन कौन सी मधुमक्खी की स्पीसीज या प्रजातियां पाई जाती है। तो एपिस इंडिका के अलावा भारत में पाई जाती है एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिपोना और एपिस मेलिपेरा। तो फिर से देख लेते हैं, वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं, तो साइंटिफिकली हम कहते हैं एपिकल्चर। वह स्थान जहां पर मधुमक्खी पाई जाती है या मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो वह स्थान जहां पर मधुमक्खी पाई जाती है या मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एपियरी कहते हैं। भारतीय मधुमक्खी या इंडियन बी का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम है, तो भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस इंडिका।
आपसे पूछ ले कि भारत में मधुमक्खियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो आप सभी याद रखना कि भारत में मधुमक्खियों की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती है। इन इंडिया 5 स्पीसीज ऑफ हनी बी आर फाउंड। तो भारत में मधुमक्खियों की 5 प्रजातियां पाई जाती है, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिपोना और एपिस मेलिफेरा। ये इनके साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है मेलिफेरा के। तो एपिस इंडिका जो साइंटिफिक नेम है वो किसका है, तो वो इंडिया का है या भारतीय मधुमक्खी का है हम कह सकते हैं। एपिस डोर्सेटा को हम किस नाम से जानते हैं, तो एपिस डोर्सेटा को हम जानते हैं रॉकबी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, रॉकबी। इसे रॉकबी क्यों कहा जाता है, तो इसका रॉकबी कहने का कारण ये है, ये चट्टानों पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, चट्टानों पर। और चट्टानों पर, और आपने देखी होगी ऊंची ऊंची इमारतों पर पाई जाती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं रॉकबी। रॉक मतलब होता है चट्टान। एपिस फ्लोरिया की यदि बात करें तो यह मधुमक्खी जो होती है, यह हनीबी जो होती है, वो साइज में सबसे छोटी होती है। हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी आकार में होती है, और इसीलिए इसे छोटी मक्खी कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसका जो शहद होता है, जो हनी होती है, इससे हमें जो मिलती है वो बहुत ज्यादा मीठी होती है। लेकिन इससे शहद जो हमें मिलता है वो तो बहुत मीठा होता है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए कमर्शियली ये सूटेड नहीं है। नेक्स्ट हम एपिस मेलिपोना की बात करते हैं। इसमें डंक नहीं पाया जाता है। और इसके बाद में एपिस मेलिफेरा की बात करते हैं। भारत में अधिकतर कौन सी मधुमक्खी का पालन किया जाता है, तो याद रखना भारत में जो अधिकतर मधुमक्खी का पालन किया जाता है वो एपिस मेलिफेरा का किया जाता है, क्योंकि इससे शहद होती है वो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है। तो इस स्लाइड से हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए वो देख लेते हैं। आप सब अपना वॉल्यूम को म्यूट कर लीजिए ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन कहलाता है एपिकल्चर। साइंटिफिक हम हनीबी रियरिंग को एपिकल्चर कहते हैं। वह स्थान या वह लोकेशन जहां पर हम मधुमक्खी पालन करते हैं, द प्लेस, जो भी प्लेस है जहां पर हम मधुमक्खी पालन करते हैं उसको क्या कहते हैं, एपियरी कहते हैं। इंडियन बी का साइंटिफिक नेम क्या है, भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है एपिस इंडिका। भारत में मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो याद रखिएगा भारत में मधुमक्खियों की 5 प्रजाति पाई जाती है, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिपोना और एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हम सबसे पहले बात करते हैं एपिस इंडिका की। तो एपिस इंडिका के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे पहला तो इसके साइंटिफिक नेम के ऊपर ही पूछा जाता है कि भारतीय मधुमक्खी का या इंडियन बी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप याद रखना एपिस इंडिका। किसी को डिटेल में यदि हम देखें तो एपिस सेरेना इंडिका भी इसे कहते हैं। पीछे वर्ड टर्म आप याद रखिएगा इंडिका। इंडिका मतलब क्या होता है, जिसका जो ओरिजिन इंडिया होता है उसके पीछे इंडिका लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्वभाव की, नेचर की। तो ये बिल्कुल शांत स्वभाव की होती है। शांत स्वभाव मतलब इसका जो नेचर होता है वो प्लीजेंट होता है। ये जल्दी से एग्रेसिव नहीं होती है, जल्दी से भड़कती नहीं है, जिसके कारण हम इसका क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एपिस इंडिका हनी भी होती है वो शांत स्वभाव की होती है, इसलिए डोमेस्टिकेटेड होती है, पालने योग्य होती है, इसका आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यदि साइज की बात करें तो ये जो मधुमक्खी होती है, हनी भी होती है, वो मीडियम साइज होती है, मध्यम आकार की होती है, ना तो ये ज्यादा बड़ी होती है ना ही ये ज्यादा छोटी होती है। इसके हैबिटेट की बात करें, आवास की बात करें, तो ये ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करती है जहां पर डार्क या अंधकार होता हो, जहां पर डार्क या अंधकार होता हो मतलब अंधेरा होता हो, जैसे पेड़ों के तनों पर ये रहना पसंद करती है। इसके बाद में ये झाड़ियों पर रहना पसंद करती है, पेड़ों के तनों पर, झाड़ियों पर और कुओं के आसपास ये रहना पसंद करती है। आप अपना वॉल्यूम इसमें म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टर्ब ना हो सेशन सभी बच्चे। तो एपिस इंडिका की बात करें तो ये शांत स्वभाव की होती है। शांत स्वभाव के साथ में ये कैसी होती है, डोमेस्टिकेटेड होती है, मतलब ये पालने योग्य होती है, इसको आसानी से हम पाल सकते हैं क्योंकि इसका स्वभाव शांत होता है, आसानी से ये एग्रेसिव नहीं होती है, आक्रामक नहीं होती है। आकार की यदि बात करें एपिस इंडिका की, तो ये मध्यम आकार की होती है, मतलब ना तो ये ज्यादा बड़ी होती है ना ही ये ज्यादा छोटी होती है। इसके हैबिटेट की, आवास की बात करें तो ऐसे स्थानों पर ही रहना पसंद करती है जहां पर डार्क या अंधकार होता हो, जैसे पेड़ों के तनों पर, झाड़ियों पर, कुओं पर। और इसके हनी प्रोडक्शन की, शहद उत्पादन की बात करें तो 3.5 से 4 किलोग्राम। तो अभी तक हमने देखा, अभी तक हमने क्या देखा कि वैज्ञानिक रूप से मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपिकल्चर। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस इंडिका। और भारत में मधुमक्खी कितनी
प्रजातियां पाई जाती है, तो हमने देखा 5 स्पीसीज पाई जाती है, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिपोना और एपिस मेलिपेरा। सबसे पहले हम एपिस इंडिका की बात करें तो ये शांत स्वभाव की होती है, इसलिए इजिली डोमेस्टिकेटेड है, इसको आसानी से पाल सकते हैं। आकार की बात करें तो मध्यम आकार की है, ना तो इसका ज्यादा बड़ा आकार होता है ना ही इसका ज्यादा छोटा आकार होता है। और इसके हैबिटेट या आवास की बात करें तो ऐसे स्थानों पर रहना ये पसंद करती है जहां पर अंधेरा या डार्क होता हो, जैसे पेड़ों के तनों पर, झाड़ियों पर, कुओं पर इत्यादि। और शहद उत्पादन की बात करें तो 3.5 से 4 किलोग्राम। नेक्स्ट हम अगली हनीबी की ओर मूव करते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट हनीबी है, इसको कहते हैं एपिस डोर्सेटा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है पीएटी में कि सबसे बड़े आकार वाली मधुमक्खी कौन सी होती है। तो आप याद रखना एपिस डोर्सेटा जो होती है इसको हम जाइंट बी कहते हैं। जाइंट बी इंग्लिश टर्म है, जाइंट बी मतलब जिसका आकार कैसा हो, बड़ा हो, जाइंट मतलब बड़ा। तो एपिस डोर्सेटा जो होती है वो सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी होती है। हिंदी में इसका और नेम जैसे सारंग मधुमक्खी कहते हैं, बृहद मधुमक्खी कहते हैं मतलब बड़ी मधुमक्खी, और इसे रॉक भी कहते हैं। रॉक मतलब क्या होता है, चट्टान। तो इसको रॉक भी क्यों कहते हैं हम एपिस डोर्सेटा को, एपिस डोर्सेटा को रॉक भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मली जैसे एपिस इंडिका पेड़ों के तनों पर अपना छत्ता बनाती है, अपना कॉम बनाती है या फिर झाड़ियों में बनाती है, इस प्रकार से ये जो डोर्सेटा होती है ऐसी जगहों पर अपना ये छत्ता नहीं बनाती, ये अपना छत्ता बनाती है इमारतों पे। आप नीचे एक पिक देख रहे होंगे, फोटो देख रहे होंगे जिसमें एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आपको बड़े बड़े छत्ते दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो मधुमक्खी लगती है वो कौन सी लगती है, तो याद रखेगा एपिस डोर्सेटा। कौन सी मधुमक्खी लगती है, एपिस डोर्सेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका आवास या हैबिटेट जो होता है वो रॉक पर या बिल्डिंग्स पर होता है, चट्टानों पर, इमारतों में। और ये आकार में सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है, तो आपसे पूछते हैं लार्जेस्ट बी कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट बी जो होती है वो एपिस डोर्सेटा। और इसके साथ में ये हाईली एग्रेसिव होती है, मतलब शीघ्र आक्रमण कर देती है, यदि कोई इसको गलती से छेड़ देता है तो ये तुरंत उसके ऊपर क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है। मतलब हम कह सकते हैं एपिस डोर्सेटा जो होती है वो हाईली एग्रेसिव होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये शीघ्र आक्रमण कर देती है या हाईली एग्रेसिव होती है, इसलिए इसको हम पाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि यदि गलती से इसका हमने पालन कर दिया और कोई गड़बड़ हो गई तो फिर आप आगे समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या हाल करेगी। नेक्स्ट इसके हनी प्रोडक्शन की यदि बात करें तो आपको नॉर्मली पिक्चर में दिख रहा होगा कि इसके बड़े बड़े छत्ते हैं, बड़े बड़े इसके घर हैं, तो हनी प्रोडक्शन इससे हमें ज्यादा मिलता है 15 से 40 किलोग्राम। लेकिन यदि इकोनॉमिक ट्रेड नहीं है इसको हम पाल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है। तो फिर से हम एपिस डोर्सेटा का रिवाइज करते हैं, आपसे पूछने सबसे बड़े आकार वाली मधुमक्खी कौन सी है, तो कौन सी, एपिस डोर्सेटा। रॉक बी के नाम से किसे जाना जाता है, तो एपिस डोर्सेटा को। एपिस डोर्सेटा को रॉक बी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये कहाँ पर रहना पसंद करती है, रॉक्स पर, चट्टानों पर रहना पसंद करती है, इमारतों पर, बिल्डिंग्स पर रहना पसंद करती है। इसकी हम साइज की बात करें रॉक बी की, तो इसका साइज जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। जितनी भी हमारी 5 स्पीसीज है हनी बी की, उन सब में सबसे बड़े आकार वाली जो मधुमक्खी होती है वो कौन सी होती है, एपिस डोर्सेटा होती है। और ये बहुत जल्दी आक्रामक हो जाती है, हाईली एग्रेसिव होती है, इसलिए इसको हम पाल नहीं सकते हैं। और इससे शहद जो हमें मिलता है वो कितना मिलता है, तो वो मिलता है हमें 15 से 40 किलोग्राम। नेक्स्ट मधुमक्खी की ओर हम मूव करते हैं, तीसरी प्रजाति की ओर, और वो है एपिस फ्लोरिया। तो अभी हमने एपिस इंडिका देखी, फिर हमने एपिस डोर्सेटा देखी, और अब हम बात करते हैं एपिस फ्लोरिया की। एपिस फ्लोरिया का हम देखें तो पांचों जो मधुमक्खियों की प्रजातियां हैं, पांचों जो मधुमक्खी की स्पीसीज है, उनमें जो सबसे छोटे आकार की जो मधुमक्खी होती है, आपको फोटो में भी दिख रही होगी, चित्र में भी दिख रही होगी, इसका साइज जो होता है वो सबसे छोटा होता है। तो हम इसको स्मॉल भी बोल सकते हैं या छोटी मक्खी बोल सकते हैं, और इसका साइज सबसे छोटा होता है। शहद मैंने आपको बताया, जो एपिस फ्लोरिया होता है इसका सबसे मीठा शहद होता है, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है शहद की, हनी की, वो बहुत कम होती है। कितनी होती है, 200 से 250 ग्राम, इसलिए ये भी आर्थिक रूप से अच्छी नहीं है। तो हमने एपिस इंडिका देखी, एपिस इंडिका जो है वो डोमेस्टिकेटेड है, उसको हम पाल सकते हैं। एपिस डोर्सेटा जो है उससे हमें हनी तो अच्छा मिलता है, लेकिन वो डोमेस्टिकेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली अग्रेसिव आक्रमण कर देती है। और एपिस फ्लोरिया की बात करें तो इसका शहद तो सबसे मीठा होता है, लेकिन इसको हम इकोनॉमिकली या आर्थिक रूप से ये अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है अच्छी या आर्थिक रूप से, क्योंकि हमें इससे कम क्वांटिटी में शहद प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिस मेलिपोना। एपिस मेलिपोना को हम किस नाम से जानते हैं, तो एपिस मेलिपोना को हम डंपर बी के नाम से जानते हैं।
और यह भी आर्थिक दृष्टिकोण से इकोनॉमिकली देखें तो यह अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि इससे शहद हमें कम प्राप्त होता है। और दूसरा जो एपिस मेलिफोना है इसमें डंग नहीं पाया जाता है, और डंग नहीं पाया जाता है इसलिए कैसे स्वभाव की होती है, तो आप याद रखिएगा डरपोक स्वभाव की होती है। कैसे स्वभाव की होती है, डरपोक स्वभाव की। तो एपिस फ्लोरिया हमने देखी, एपिस मेलिफोना देखी, और लास्ट हनी भी जो हमारी आती है पांचवी प्रजाति वो आती है एपिस मेलिफेरा। इसके ऊपर पीएटी में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो देख लेते हैं। भारत में अधिकतर, भारत में पूछ ले या विश्व में पूछ ले, तो अधिकतर जो मधुमक्खी का पालन किया जाता है, अधिकतर मधुमक्खी की कौन सी स्पीसीज या कौन सी प्रजाति का पालन किया जाता है, तो आप याद रखना विश्व में और भारत में सबसे ज्यादा जो पालन किया जाता है रियरेबल है वो कौन सी है, एपिस मेलिफेरा। इस एपिस मेलिफेरा का एक और अन्य नाम क्या है, तो इस एपिस मेलिफेरा को हम कहते हैं यूरोपियन बी। क्या कहते हैं इसको, हम यूरोपियन बी कहते हैं, यूरोपियन बी के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे अधिक विश्व में क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, और इसका अधिकतर पालन किया जाता है डोमेस्टिकेटेड होती है। अब अधिकतर पालन किया जाता है तो सिंपल हम बोल सकते हैं ये इकोनॉमिकली क्या है, सूटेड है, आर्थिक रूप से अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे शहद हमें ज्यादा प्राप्त होता है, हनी ज्यादा प्राप्त होता है। और इससे हमें कितना हनी प्रोडक्शन मिलता है, तो 50 से 180 किलोग्राम या हम बोल सकते हैं 50 to 180 kg से हमें पर ईयर शहद प्राप्त होता है। और यदि इसके वाइल्ड स्टेट में देखें तो वो भी कम नहीं है, 30 to 40 kg हमें इससे शहद प्राप्त होता है एक ईयर में पर ईयर। तो हम एपिस मेलिफेरा के बारे में देखें तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मधुमक्खी का पालन किया जाता है, एपिस मेलिफेरा का किया जाता है। एपिस मेलिफेरा का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम क्या है, यूरोपियन बी या यूरोपियन मधुमक्खी। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला शहद किसका होता है, तो वो किसका होता है, एपिस मेलिफेरा का। और इससे पर ईयर हमें कितनी हनी प्राप्त होती है, तो 50 to 180 kg इससे हमें पर ईयर हनी प्राप्त होती है, और वाइल्ड स्टेट में 30 से 40 kg। तो हमने पांचों प्रकार की मधुमक्खी देखी। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, वैज्ञानिक रूप से या व्यवसायिक रूप से मधुमक्खी पालन को, हनी बी रियरिंग को क्या कहते हैं, तो हम एपिकल्चर कहते हैं। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, इंडियन बी का साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका। भारत में मधुमक्खियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो हमने देखा भारत में मधुमक्खियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा भारत में मधुमक्खियों की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है, भारत में मधुमक्खियों की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, तो एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफोना और एपिस मेलिफेरा। एपिस इंडिका के बारे में हमने देखा कि ये शांत स्वभाव की होती है, मध्यम आकार की होती है, पालने योग्य होती है, और अपना जो ये छत्ता बनाती है वो कहाँ बनाती है, अंधकार में, पेड़ों के तनों पर, झाड़ियों पर, कुओं पर इत्यादि। इसके बाद में नेक्स्ट हमने मधुमक्खी देखी वो देखी एपिस डोर्सेटा। एपिस डोर्सेटा के बारे में हमने क्या देखा कि ये सबसे बड़े आकार की होती है, लार्जेस्ट भी होती है, पांचों जो स्पीसीज है हनीबी की उनमें सबसे बड़े आकार की लार्जेस्ट भी कौन सी होती है, तो एपिस डोर्सेटा होती है। और ये अपना जो हैबिटेट होता है, इसका आवास होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये बिल्डिंग्स पर अपना छत्ता बनाती है या फिर रॉक्स पर, चट्टानों पर अपना छत्ता बनाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रॉक भी कहते हैं। और इसका इजिली ये डोमेस्टिकेटेड नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होती है, एग्रेसिव होती है, शीघ्र आक्रमण ये कर देती है। नेक्स्ट हमने एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया के बारे में हमने पीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि सबसे छोटे आकार की मधुमक्खी कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, एपिस फ्लोरिया, इसलिए इसको हम स्मॉल भी कह सकते हैं, और सबसे मीठा शहद इसका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिस मेलिफेरा की, तो इसे हम डंपर भी के नाम से जानते हैं, ये भी इकोनॉमिकली अच्छी नहीं है। और जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट आती है जिसको हम एपिकल्चर में यूज करते हैं, तो वो कौन सी स्पीसीज है, तो वो है एपिस मेलिफेरा। कौन सी है, एपिस मेलिफेरा, इसको यूरोपियन बी के नाम से जानते हैं। और ये मैक्सिमम क्या करते हैं, हम इसका डोमेस्टिकेटेड करते हैं, पालने योग्य है, और इसकी जो हनी होती है बेस्ट क्वालिटी की हनी होती है, और 50 to 180 kg इससे हमें पर ईयर तक हनी प्राप्त होती है। तो हमने 5 स्पीसीज जो हनी बी की देखी, उनमें से हम किनको एपिकल्चर में यूज कर सकते हैं, तो एपिकल्चर में एक तो हम एपिस इंडिका को कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, एपिस इंडिका को, और दूसरा हम किसको इकोनॉमिकली सुटेड है, तो वो है एपिस मेलिफेरा। लेकिन हम सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो हम रियर करते हैं वो करते हैं एपिस मेलिफेरा को। नेक्स्ट आगे की स्लाइड देखते हैं। अब हनीबी का हम टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं, बायोलॉजी में हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हनीबी जो है वो कहाँ पर स्टैंड करती है। तो हनीबी की यदि हम किंगडम की बात करें, जगत की बात करें, तो हनीबी का जो जगत है वो है एनिमेलिया। एनिमेलिया जो जगत होता है इसमें लगभग सभी जंतु आ जाते हैं। फिलम की यदि बात करें तो आर्थोपोडा, पीएटी में आर्थोपोडा के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है,
कि सबसे बड़ा जंतु जगत में एनिमेलिया किंगडम में सबसे बड़ा जो फिल्म है वो कौन सा है, तो आप याद रखना एनिमेलिया जो किंगडम है इसमें सबसे बड़ा जो फिल्म है वो है आर्थ्रोपोडा। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। क्लास की यदि बात करें, वर्ग की बात करें, तो वर्ग है इसका इंसेक्ट। हम जानते हैं हनीबी जो है वो कैसा इंसेक्ट है, तो हनीबी जो है वो सोशल इंसेक्ट है। इंसेक्टा के ऊपर पीएटी में क्वेश्चन पूछा है कि जो क्लास इंसेक्टा होती है इसके क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं या इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आप याद रखना इसमें तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है, तो हम बोल सकते हैं थ्री पेयर इसमें लेग्स पाए जाते हैं, तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है, और टांगों में क्या होती है संध्या होती है, संध्या होती है मतलब जॉइंट होते हैं, तो थ्री पेयर इसमें लेग्स होते हैं, थ्री पेयर मतलब हम बोल सकते हैं सिक्स लेग्स होते हैं इसमें, और सब में क्या होते हैं जॉइंट होते हैं। इसके अलावा इनका जो एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल जो होता है वो काय का होता है, काइटिन का होता है। तो क्लास इंसेक्टा की जो हनी भी हमारी आती है वो सब क्लास कौन सी में आती है, टेरिगोटा में आती है। तो दो सब क्लास होती है, एक तो होती है टेरिगोटा और एक होती है एप्टेरिगोटा। टेरिगोटा में वो इंसेक्ट आते हैं जिनमें विंग्स या पंख पाए जाते हैं, और एप्टेरिगोटा में वो इंसेक्ट आते हैं जिनमें पंख नहीं पाए जाते हैं। हनीबी के ऑर्डर के ऊपर पीएटी में क्वेश्चन आया है कि जो हनीबी होती है उसका ऑर्डर कौन सा है, तो हनीबी का ऑर्डर आप याद रखना हाइमेनोप्टेरा। हम फैमिली की यदि बात करें हनीबी की, तो फैमिली है एपिडी, और इसका जीनस जो है वो कौन सा है, एपिस है। अब स्पीसीज इसकी पांच अलग अलग प्रकार की है, तो हम अलग अलग इसके साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं, जैसे एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिपोना और एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट हम अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, मतलब हम बोल सकते हैं हनीबी इज ए सोशल इंसेक्ट। जो हनीबी है वो कैसा प्राणी है, तो याद रखना ये सामाजिक प्राणी है, इसलिए ये इंटरेस्टिंग हो जाता है एपिकल्चर हमारे लिए। सोशल इंसेक्ट का मतलब क्या होता है ना, नॉर्मल इंसेक्ट और सोशल इंसेक्ट में हम एक अंतर समझते हैं। तो हम बोल सकते हैं मनुष्य, मनुष्य मतलब जो ह्यूमन है वो कैसा है, सोशल ऑर्गेनिज्म है, एक सामाजिक प्राणी है। इसी प्रकार से हनीबी जो है वो भी क्या है, सोशल है। सोशल का मतलब क्या होता है कि जो ये कार्य करते हैं उसका इनमें विभाजन होता है, मतलब पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन होता है या ये जो वर्क होता है ये व्यक्ति करेगा। जैसे हम यदि ह्यूमन की बात करें तो टीचर का वर्क अलग होता है, इंजीनियर का वर्क अलग होता है, डॉक्टर का वर्क अलग होता है, तो पूरी की पूरी क्या बनती है, सोसाइटी बनती है। क्या बनती है? सोसाइटी। इसी प्रकार से हनीबी में भी क्या होती है, ये सोशल इंसेक्ट है, तो इसमें जो अलग अलग फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग बी के होते हैं। जैसे छत्ता बनाने का काम अलग बी का होता है, अंडे देने का काम अलग बी का होता है, इसके बाद में हम बोल सकते हैं रक्षा करने का काम अलग भी का होता है। तो हम बोल सकते हैं हनीबी जो है वो कैसा इंसेक्ट है, सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक प्राणी है, मतलब इसमें लेबर डिवीजन पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है, अलग अलग जो मक्खियां होती है वो अलग अलग काम करती है। तो अब ये सोशल इंसेक्ट है तो सिंपल सी बात है इसका क्या होगा, समाज होगा। क्या होगा? समाज, एक सोसाइटी होगी। तो जो हनीबी की सोसाइटी होती है उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलोनी। तो हनीबी की एक कॉलोनी में कौन कौन पाए जाते हैं, तो इसकी कॉलोनी में तीन प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। तीन प्रकार के सदस्य या थ्री मेंबर्स कौन कौन से पाए जाते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ मेंबर्स। तो सबसे पहले तो मधुमक्खी की जो एक कॉलोनी होती है उसमें एक रानी पाई जाती है। तो आप याद रखना मधुमक्खी की एक कॉलोनी में कितनी रानियां होती है, तो मधुमक्खी की एक कॉलोनी में एक ही रानी होती है। याद रखना मधुमक्खी की जो एक कॉलोनी होती है उसमें कितनी रानी होती है, तो एक ही रानी होती है। फिर दूसरा जो टाइप आता है वो पाए जाते हैं नर, जिसको हम कहते हैं मेल या ड्रोन। तो एक कॉलोनी में एक रानी होती है, 200 से 300 200 टू 300 क्या होते हैं इसमें मेल होते हैं। और शेष यदि हम रिमेनिंग की बात करें तो बाकी सब जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, लेबर होते हैं, या इनको हम वर्कर बी भी बोल सकते हैं, श्रमिक बोल सकते हैं। तो फिर से देखते हैं मधुमक्खी जो है हमारी हनीबी जो है वो एक सोशल इंसेक्ट है, इसकी एक कॉलोनी में एक रानी होती है, 200 से 300 इसमें मेल होते हैं, और शेष जितने भी बच जाते हैं वो सब क्या होते हैं, वर्कर होते हैं या लेबर होते हैं। अब इनके जो फंक्शन होते हैं, वर्क होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं रानी का काम क्या होता है, तो रानी का काम होता है केवल अंडे देना। मधुमक्खी की जो रानी होती है वो सिर्फ लाइंग एक्ट करती है, मतलब वो सिर्फ क्या करती है, अंडे देती है। रानी के बारे में यदि हम डिटेल में जाने तो मधुमक्खी की जो एक कॉलोनी होती है उसमें एक ही रानी होती है, और ये जो रानी होती है इसका काम होता है केवल अंडे देना, मतलब ये सिर्फ अंडे देती है। और इसके यदि हम लाइफ स्पेन की जीवन काल की बात करें तो 2 से 3 वर्ष का इसका जीवन काल होता है। तो हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी की जो एक कॉलोनी होती है उसमें एक रानी होती है, और रानी मक्खी का काम केवल अंडे देना होता है, और ये अपने पूरे जीवन काल में क्या करती है, अंडे ही देती रहती है।
और ये प्रतिदिन लगभग 1500 से 2000 तक अंडे देती है एक दिन में। एक रानी जो होती है वो एक दिन में कितना अंडे देती है, तो 1500 से 2000। और अपने पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे जीवन काल में ये कितने अंडे देती है, तो आप याद रखना मधुमक्खी की जो रानी मक्खी होती है वो 1500000 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 1500000। आप सभी के डाउट में एंड में सोल्व करूंगा, डाउट आपके क्लियर करूंगा, लेकिन अभी आप क्या कीजिए, अपने वॉइस को थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए ताकि दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। तो मधुमक्खी की हम बात करें तो इसमें एक रानी मक्खी होती है। रानी का काम होता है केवल अंडे देना, और इसका जीवन काल होता है 2 से 3 वर्ष, और ये पूरे जीवन काल सिर्फ अंडे ही देती रहती है, इसका और कुछ काम नहीं है। रानी माता का सिर्फ एक ही काम होता है कि आपको क्या करना है, अंडे। और पूरे जीवन काल में ही 1500000 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 1500000। और पर डे की यदि हम बात करें तो 1500 से 2000 अंडे पर डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आते हैं नर। नर का काम क्या होता है? तो रानी का काम तो हमने देख लिया, अंडे देना। इसी प्रकार से जो नर या ड्रोन होते हैं जिनको हम मेल कहते हैं, इनका काम होता है रानी के साथ में मेटिंग करना। तो जो मधुमक्खी के मेल होते हैं, नर होते हैं, वो रानी के साथ में मैटिंग करते हैं। ये मैटिंग कहाँ पर करते हैं? तो ये मैटिंग हवा में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? हवा में। और हवा में मैटिंग करने के बाद में जो मेल होते हैं ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, ये डाई हो जाते हैं, और रानी बच जाती है हमारे सामने। नर तो मर जाते हैं और रानी क्या करती रहती है? अपने पूरे जीवन काल में अंडे देती रहती है। और शेष बच जाते हैं हमारे पास में, वो कौन बच जाते हैं? वर्कर भी बच जाते हैं या लेबर बच जाते हैं। और ये जो लेबर होते हैं वो क्या करते हैं? ये बाकी जितने भी काम होते हैं अंडे देने को छोड़कर और मैटिंग को छोड़कर बाकी क्या कार्य होते हैं? तो बाकी मधुमक्खी के कार्य क्या होते हैं? हनी का प्रोडक्शन करना, शहद का उत्पादन करना। दूसरा कार्य होता है छत्ते का निर्माण करना या छत्ते का मेंटेनेंस, मरम्मत करना। तीसरा कार्य करता है इनका मोम का उत्पादन करना, मोम मतलब वैक्स जो होता है उसका प्रोडक्शन करना। और शत्रुओं से मधुमक्खी की क्या करना? रक्षा करना। शत्रु जो इनके एनिमी होते हैं हनीबी के, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। कौन करते हैं? वर्कर भी करते हैं। तो हमने देखा मधुमक्खी जो होती है, हनीबी जो होती है, एक सोशल इंसेक्ट होती है। इसमें एक रानी होती है, रानी का काम होता है अंडे देना। फिर इसमें मेल होते हैं 200 से 300, और मेल का काम होता है सिर्फ मैटिंग करना। और बाकी रिमेनिंग जितने भी बच जाते हैं वो सब कौन होते हैं? इसमें वर्कर भी होती है, लेबर होते हैं, और इनका काम होता है हनी प्रोडक्शन करना, वैक्स प्रोडक्शन करना, फॉर्म का मेंटेनेंस करना, और एनिमी से प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मधुमक्खी के छत्ते में। एक बहुत ही अच्छी बात पाई जाती है जो इंटरेस्टिंग है कि मधुमक्खी के छत्ते में प्राकृतिक रूप से वातानुकूलन पाया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि नेचुरल एयर कंडीशन पाया जाता है। जिस प्रकार से हम मनुष्य अपने घर में क्या लगाते हैं, हम एसी लगाते हैं। क्या लगाते हैं अपने घर में? एसी लगाते हैं। काय के लिए लगाते हैं? गर्मी से बचने के लिए। इसी प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो इस प्रकार से डिजाइन होता है कि ये गर्मी में तो ठंडा रहता है और ठंड में ये कैसा रहता है? गर्म रहता है। तो हम बोल सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते में नेचुरल रूप से क्या पाया जाता है? एयर कंडीशन पाया जाता है। गर्मी में तो ये ठंडा रहता है और ठंड में ये क्या रहता है? गर्म रहता है। तो इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि हनीबी या मधुमक्खी जो है वो कैसा इंसेक्ट है? सोशल इंसेक्ट है। इनकी एक कॉलोनी या सोसाइटी में एक रानी होती है, 200 से 300 नर होते हैं, और वर्कर भी जो होती है वो कितनी होती है? तो आप याद रखना ये लगभग 35,000 के आसपास होती है। रानी का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ अंडे देना होता है। इसके बाद में मेल का जो फंक्शन होता है वो मैटिंग करना होता है, और रिमेनिंग जो इतने भी वर्क बच जाते हैं वो सब किसके होते हैं? वर्कर भी के होते हैं। और हनी का जो कॉम होता है, इनका जो छत्ता होता है, उसमें नेचुरल एयर कंडीशन पाया जाता है। मतलब गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं रानी की। तो रानी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। रानी का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो क्या होता है? केवल अंडे देना। तो रानी मक्खी जो होती है 2 से 3 साल का इसका लाइफ स्पैन होता है। 2 से 5 वर्ष तक का भी हो सकता है। तो 2 से 3 साल का इसका लाइफ स्पैन होता है, और ये पूरे लाइफ स्पैन में क्या करती है? सिर्फ अंडे ही देती है। फिर हम दूसरी बात करें रानी मक्खी की, तो ये आकार में सबसे बड़ी होती है। हमारे पास में जो 3 प्रकार की मक्खियां हैं, एक तो है क्वीन बी रानी मक्खी, दूसरी है हमारे पास में मेल या नर, और तीसरी है हमारे पास में वर्कर बी या श्रमिक। इन तीनों में सबसे बड़ी जो साइज में होती है, सबसे बड़ी साइज में जो होती है वो कौन सी होती है? तो वो क्वीन बी या रानी मक्खी होती है। तो हम बोल सकते हैं रानी जो होती है उसका कार्य केवल अंडे देना होता है। आकार में ये सबसे बड़ी होती है। और अगला पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकमात्र जनन योग्य मादा मक्खी होती है। मतलब अंडे देने का जो कार्य कर सकती है, जनन योग्य। जनन योग्य मतलब हम बोल सकते हैं फर्टाइल फीमेल होती है जो रिप्रोडक्शन का काम करती है। अब मधुमक्खी की जो कॉलोनी होती है उसमें कितनी फीमेल होती है? तो आप याद रखना 2 फीमेल होती है। कितनी फीमेल होती है? 2 प्रकार की फीमेल होती है।
एक तो हमारी रानी मक्खी होती है और दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है वर्कर बी, और बाकी कौन हो जाते हैं, मेल हो जाते हैं, जिसको हम ड्रोन कहते हैं। तो जो हमारी क्यून होती है वो फर्टाइल होती है, फर्टाइल होती है मतलब ये रिप्रोडक्शन कर सकती है, अंडे दे सकती है। लेकिन जो हमारी वर्कर भी होती है वो इनफर्टाइल होती है, मतलब हम बोल सकते हैं बांझ होती है, वो अंडे नहीं दे सकती है। लाइफ स्पैन 2 से 3 ईयर्स आप याद रखिए, 2 से 3 साल। और ये पर डे कितने अंडे देती है, तो आप याद रखना पर डे ये 1500 से 2000 अंडे तक देती है। और अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने अंडे देती है, तो अपनी पूरी लाइफ स्पैन में ये 15 लाख अंडे देती है। तो मधुमक्खी के बारे में हमने जाना कि ये एक सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक कीट है। इसकी सोसाइटी में कॉलोनी में 3 प्रकार की बीज पाई जाती है, रानी मक्खी, नेक्स्ट मेल, और थर्ड हमारी आ जाएगी वर्कर बी या श्रमिक मक्खियां। रानी जो होती है उसका कार्य होता है केवल अंडे देना, आकार में ये सबसे बड़ी होती है, ये ओनली फर्टाइल फीमेल होती है पूरी कॉलोनी में। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो इसका लाइफ स्पैन होता है 2 से 3 ईयर्स। और ये पर डे कितने एग्स देती है, तो पर डे ये 1500 से 2000 अंडे देती है, और अपने पूरे लाइफ स्पैन में ये 15 लाख तक अंडे देती है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो हमने रानी पढ़ ली, रानी के बाद में अब हम पढ़ेंगे मेल, या इसी को हम कहते हैं ड्रोन, मेल या ड्रोन नर मक्खियां। तो नर मक्खियों का कार्य क्या होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, इनका फंक्शन होता है मैटिंग करना। किसके साथ मैटिंग करना, रानी के साथ में ये क्या करते हैं, मैटिंग करते हैं, मैथुन करते हैं। और जो मैटिंग इनकी होती है वो कहाँ पर होती है, तो मैटिंग इनकी जो होती है वो हवा में होती है। कहाँ पर होती है, हवा में। मैंने आपको बताया जो नर मक्खियां होती है वो रानी के साथ में मैटिंग करती है, इनकी मैटिंग जो होती है वो हवा में होती है। और मैटिंग करने के बाद में जो मेल होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और रानी जो होती है वो क्या करना शुरू कर देती है, वो अंडे देना शुरू कर देती है। अब इसकी यदि हम बात करें, तो जो ये मैटिंग करते हैं ये हवा में, उसको हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर पीएटी में क्वेश्चन आया, तो जो मक्खियां हवा में मैटिंग करती है उसको हम कहते हैं नप्शियल फ्लाइट। क्या कहते हैं उसको, हम नप्शियल फ्लाइट। और जो मेल होता है वो क्या होता है, मैटिंग के बाद में मर जाता है। इसके बाद में जो मेल होते हैं मधुमक्खी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया अगले वाला, जो मेल होते हैं, जो नर होते हैं मधुमक्खी के, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से ओरिजिन होते हैं, मतलब उनका जो ओरिजिन होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी क्यून होती है वो 2 प्रकार के अंडे देती है, 2 टाइप्स के एग्स देती है, एक तो फर्टिलाइज्ड एग देती है मतलब फर्टाइल एग देती है, और एक अनफर्टिलाइज्ड एग देती है। तो फर्टिलाइज्ड एग से तो हमारे पास में क्यून आती है और वर्कर भी आती है, और अनफर्टिलाइज्ड एग से हमारे पास में कौन आते हैं, तो अनफर्टिलाइज्ड एग से हमारे पास में आते हैं मेल। अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग से आते हैं इसलिए ये हैप्लोइड होते हैं। हमने क्रोमोसोम नंबर देखे, क्रोमोसोम नंबर 2n के फॉर्म में होते हैं, मतलब डिप्लॉइड होते हैं, आधे उसमें मेल से आते हैं और आधे उसमें फीमेल से आते हैं। लेकिन हमारे पास में यदि हम मेल की बात करें, किसकी मेल की बात करें, हनीबी के मेल की बात करें, तो ये हैप्लोइड होते हैं। क्यों होते हैं हैप्लोइड, क्योंकि इनका ओरिजिन जो होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो n इज इक्वल टू कितने होते हैं, 16 होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो मेल होते हैं, मैंने आपको बताया कि मेल जो होता है उसका काम सिर्फ क्या होता है, मेटिंग करना होता है। ना तो वो हनी का प्रोडक्शन करेगा, ना ही वो वैक्स का प्रोडक्शन करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इनमें लार ग्रंथियां, मोम ग्रंथियां और डंक जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। वैक्स और सेलिवरी ग्लैंड जो होती है मेल में वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम साइज में डिफरेंस देख लेते हैं। तीनों मक्खियां हैं हमारे पास में एक कॉलोनी की, जो 3 प्रकार की मक्खियां हैं, 3 प्रकार की मधुमक्खियां, और तीनों का फोटो है, इनके साइज में अंतर देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा साइज जो होता है वो किसका होता है, तो आप याद रखिएगा सबसे बड़ा साइज जो होता है वो क्यून का होता है। और क्यून का ये आप पीछे वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, एरिया देख रहे हैं, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, अंडे होते हैं, और जब भी ये मैटिंग करती है तो स्पर्म्स जो होते हैं वो भी इसी पोर्शन में इसमें सुरक्षित होते हैं। फिर जो क्यून होती है उससे छोटा आकार जो होता है वो किसका होता है, तो आप याद रखना उससे छोटा आकार जो होता है वो मेल का होता है, और सबसे छोटा आकार जो होता है वो किन का होता है, तो वो वर्कर बी का होता है। तो ये क्यून का फोटो, ये सबसे बड़े आकार की होती है, इनसे छोटे मेल होते हैं, और इनसे छोटी कौन सी भी होती है, वर्कर भी होती है। तो अभी तक हमने क्लास में देखा कि जो हनी भी है वो एक सोशल इंसेक्ट है, मतलब सामाजिक कीट है। इनकी एक कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, 3 टाइप्स के मेंबर्स होते हैं, क्वीन भी होती है, मेल होते हैं, और वर्कर भी होती है। क्वीन जो होती है, रानी जो होती है, उसका काम सिर्फ अंडे देना होता है। मेल जो होते हैं, इनका काम जो होता है वो क्या होता है, मैटिंग करना होता है रानी के साथ में। और वर्कर भी का जो फंक्शन होता है वो इन दोनों के कामों को छोड़कर जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब वर्कर भी का होता है। तो नेक्स्ट हम वर्कर भी की ओर ही मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबर या वर्कर भी की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शहद और मोम उत्पादन का कार्य किया जाता है, पीएटी में पूछा गया है,
के शहद उत्पादन का कार्य किया जाता है, हनी प्रोडक्शन का जो फंक्शन होता है वो किसका होता है? तो आपको ऑप्शन में था रानी मक्खी का, ऑप्शन नंबर बी था नर का, ऑप्शन नंबर सी था श्रमिक का। तो इसमें सी क्या आएगा? श्रमिक का आएगा। तो शहद और मोम उत्पादन का जो मेजर फंक्शन है वो किसका है? तो वो लेबर बी का या वर्कर बी का है। फिर एक छत्ते में सबसे अधिक संख्या होती है, तो आप याद रखना सबसे कम संख्या तो किसकी होती है? रानी की होती है। एक छत्ते में कितनी रानी होती है? एक ही रानी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो किसकी होती है? तो आप याद रखना वो वर्कर बी की होती है। नेक्स्ट हम बात करें जो वर्कर बी होती है, यह भी फर्टिलाइज्ड एग से होती है। मैंने आपको बताया था जो क्वीन होती है वो टू टाइप्स के एग्स देती है, एक तो फर्टाइल एग देती है और एक किस प्रकार का एग देती है? इनफर्टाइल एग देती है। फर्टाइल एग से तो क्वीन और वर्कर बी ओरिजिनेट होती है, और इनफर्टाइल एग से कौन होते हैं? तो इनफर्टाइल एग से मेल होते हैं। तो ये फर्टाइल एग से ओरिजिन होती है, लेकिन ये कैसी होती है? इनफर्टाइल होती है। इनफर्टाइल होती है मतलब ये अंडे नहीं दे सकती है। फर्टाइल एग जो होती है इसलिए ये भी डिप्लॉइड होती है, मतलब बोल सकते हैं क्रोमोसोम इनमें कितना होता है? 2n = 32 होता है, 2n = 32 होता है। क्रोमोसोम नंबर क्वीन की बात करें तो उसमें भी 2n = 32। यदि हम इसमें मेल की बात करें तो उसमें n = 16, और उसमें हम लेबर की या वर्कर बी की बात करें तो उसमें कितने हो जाएंगे? 2n = 32। और इनका लाइफ स्पेन जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 6 सप्ताह। अब जो वर्कर बी होती है उनको भी हमने अलग अलग